बीजेपी के जो प्रमुख हैं सोमवीर राजू, उन्होंने कल एक रैली में बोला कि आप हमें वोट दीजिए, 1 करोड़ के करीब हमें वोट दीजिए तो हम 50 से 70 रुपए के बीच में आपको लेकर प्रोवाइड कराएंगे। तो वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास को सबको पिलाओ, वही पॉलिसी चल रही है। यानी अब शराब पिलाएंगे, एक आदमी बोलता है शराब पिलाएंगे, केरल का आदमी कहता था कि आपको बीफ खिलाएंगे। यही इनका हिपोक्रेसी है ना, कि कुछ भी करेंगे सत्ता के लिए, शराब भी पिलाएंगे बीफ भी खिला देंगे, जो बोले कर देंगे, बस सत्ता चाहिए लोगों को। कोई मॉरल्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी खुद के स्टेट में वो जब सीएम रहे तब से शराबबंदी किए हुए हैं, बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं। देखिए, जहां इनको सूट करता है वही करते हैं। केरल में इनका एक प्रेसिडेंट कहा था कि आपको बीफ देंगे, इलेक्शन में याद होगा आपको, और अब ये कह रहे हैं कि शराब दे देंगे। तो इनका कोई, इनके पास कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। अभी नया ऐलान कर दिए, शराब फ्री में पिला देंगे। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम आप सबको दूध पिलाएंगे फ्री में, हम बच्चों को उनके न्यूट्रिशन का इंतजाम करेंगे। ये शराब से बड़ी मोहब्बत होगी बीजेपी वालों को, बहुत ज्यादा मोहब्बत नजर आ रही शराब से। ऐसा लग रहा है कि अंगूर की बेटी से निकाह कर चुके हैं लोग। सर, मालेगांव ब्लास्ट केस में योगी जी ने कहा कि जो हिंदू संगठन लोग हैं और हिंदू लोगों को टारगेट किया गया और कांग्रेस इसकी माफी मांग किसने रही है, कहा? योगी आदित्यनाथ। देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत डेमोलिशन हुआ, एक कन्विक्शन नहीं हुआ। मोदी सरकार अपील नहीं करती। मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 7 लोग मारे गए, उसके खिलाफ अपील नहीं करती। समझौता ट्रेन ब्लास्ट हुआ, कौन किया नहीं मालूम, अपील नहीं करते। तो ना बाबरी मस्जिद किसने शहीद किया वो नहीं मालूम, ना मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया किसी को नहीं मालूम, समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम। मालेगांव में 2006 में कब्रिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 48 लोगों की मौत हुई। 2008 में यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, दोबारा 8 लोगों की मौत हुई। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस खत्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव? मालेगांव 2006 किसमें किया? 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा?